चलो भाई आधा गाड़ी हो गया है खाली, ये मेरी गाड़ी में हो रहा है लोड। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब बढ़िया हो गया, अच्छे से हो गए और ठीक हो गए। तो दोस्तों अभी वापस आ चुके हैं सिलवत माल भरने के लिए, यहाँ पे लोडिंग हो रही है लेकिन ये दूसरे का माल है। अभी जिसका माल हमको भरना है वो पलटी गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी वाले को मैंने अब फ़ोन किया, उसने उठाया फ़ोन, बोला यार मुझे आज फिटनेस थी इसलिए मैं नहीं आया, अभी मैं बस गाड़ी पास करवा के आ रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं माल भर के निकलूँगा यहाँ से, लगभग वो 1 बजे पहुँचेगा यहाँ। अभी उसने पास गाड़ी करवाई, बोला अभी 10-15 मिनट लगेंगे, बस मैं निकल रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँगा। चलो आप क्या करें, अभी वेट तो करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ये माल लोडिंग हो रहा है अभी, चलो देखते हैं कब तक आएगा वो। गाड़ियाँ अभी भी लोड हो रही है, अभी मेरा भी माल आ गया, बस हेडरा जब भी खुला हो जाएगा तो मैं माल भर दूंगा। ऊपर भरना है मुझे चिप्स। भाई यार अभी तक लोड नहीं हुआ, टाइम हो चुका है लगभग 7-5 बजे, तो गाड़ी पहुंच गई लेकिन हेडरा वाला अभी भी वहां पे वो माल भर रहा है, उसको अभी भी 2 गाड़ी है, लगभग 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे उधर, उसके बाद वो यहाँ आएगा ये माल पलटी करने के लिए, ये लगभग लेट तक तो लग जाएगा, लगभग 11-12 बजे तक, देखते हैं क्या होगा। अभी ये तो आ गई हेडरा इधर, लेकिन लेट हो गया तो ये सुबह ही करेंगे खाली। चलो फिलहाल क्या करते हैं, देखते हैं सुबह। चलो भाई आधा गाड़ी हो गया है खाली, ये मेरी गाड़ी में हो रहा है लोड। असो तो अरे उल्टा माल है ये पूरा, नहीं उठाना, इधर रखना, इधर को बाहर लाओ, बाहर लाओ, इसके ऊपर रह लो। बस करो डाउन, चलो ये मोदा को पहले लो, रुको 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 रुको, चलो वापस पक, चलो अरे छोटा माल पता नहीं क्या है, चलो क्या तो लो आखा का आखा की सेट है माल तो भर दिया अभी, लेकिन ये खुला हुआ सारा माल था, उधर तो फटेगी कंफर्म, उतारते उतारते तो खुद देख लो माल खुला पड़ा है सारा। तो अभी जो है निकल चुके हैं लोड करके, अभी ऊपर जो है आज टैंकी भर दी इसके, वो कारगिल में डालनी है, लेकिन हालत जो है ख़राब हो गई क्योंकि खुद मदद करना पड़ा ना उधर हेडरा को भी और वो टैंकी भरने में भी। चलो अभी चल रहे हैं फिलहाल आगे घर के लिए, घर में खाएंगे खाना वाना फिर निकलेंगे सीधे। तो फ्रेंड्स अभी जो है घर में था, मैं घर में रुका, खाना वाना लाया घर से और बिस्तरा भी लाया, कपड़े भी लाए, क्योंकि भाई आपको पता ही है कि सर्दी कितनी है आगे, आगे सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल निकल चुके हैं हम घर से लद्दाख के लिए। तो दोस्तों घर से निकला, मैं सोचा टायर को हवा कम है तो आगे मैं टायर का हवा बराबर करूँगा, यहाँ पूछा तैनमन तो टायर जो है ना, ये देखो बोला इधर से देखो, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो ट्यूब का हाल भी देखो, ये देखो। तो मैंने उसको बोला आप टायर ट्यूब नया लाओ, क्योंकि ट्यूब नया होना चाहिए, टायर जैसा भी हो ट्यूब नया लग जाएगा तो फिर परेशानी नहीं है। चलो जैसे ही ये ट्यूब लाएगा फिर निकलेंगे यहाँ से, फिलहाल टायर बनाना पड़ेगा, पहले सेटअप नहीं लगा लेता लेकिन मैंने सोचा चलो पहले बना लेता हूँ। हो गया पंचर ठीक, अभी का ट्यूब वो तो उधर ही रखा, नया ट्यूब डाला इसमें, फिलहाल टायर वाले के पास अभी टायर वेयर चेंज करेंगे, निकलेंगे जल्दी से क्योंकि लेट बहुत हो गया। अभी निकल चुके हैं यहाँ से, टायर वायर बना लिया, अभी लेट हो गया लेकिन चलो अभी 6 बजे तक तो छोड़ते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ सोनमार्ग से, 6 बजे तक बंदा पहुँचना चाहिए, अभी 4 भी नहीं हुए, लगभग 5 बजे 5:30 तो मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी व्यू आप चेक करें बाहर का,
पहुंच चुके हैं अभी शिंदरी सोनमर्ग, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर है ये सोनमर्ग। फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन भाई जैसे ही शिंदरी पहुंचा, बाप रे ठंड। अभी पूरा खिड़की विड़की बंद करना पड़ेगा, जैकेट लगाना पड़ेगा, इतनी ठंड है। तो हमारे वहाँ भी बहुत आज ठंड है, लेकिन आगे क्या होगी ये सोच रहा हूँ। चलो जी पहुँच गए सोनमर्ग, देख लो आप सोनमर्ग का व्यू। अभी निकल चुके हैं सोनमर्ग से, सोनमर्ग क्रॉस कर लिया, पहुँचने वाले हैं फिश पॉइंट। बाकी भी यहाँ पे ट्रैफिक वालों के पास रुके हुए थे, एक स्लिप निकाला इनका कांटे वाला स्लिप। बाकी आप आगे का व्यू देख सकते हो भाई, पूरा अभी सूखा पड़ा है सारा कुछ। मैं अभी 5-6 दिन पहले शायद बर्फ पड़ी थी थोड़ी बहुत, देखते हैं आगे होगी या नहीं, कि ख़त्म हो गई वो आगे ही पता चलेगा। चलो जी पहुंच गए रांगा, रांगा क्रॉस कर लिया। चल रहा हूँ आराम से, मेरे साथ और दो गाड़ियाँ सामने हैं जिनको यही माल भरा हुआ है, वो आगे आगे चढ़ रही है। कहाँ गई वो रही, लेकिन मुझे ऊपर टंकी भरी हुई है वो मुझे कारगिल में डाल दिया। बाकी ऊपर आप देखो बर्फ। जोजला चढ़ रहा हूँ, जोजला का पहला मथा क्रॉस कर लिया मैंने। तो अभी वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है, एक तो टूरिस्ट वाली और ट्रकें भी, क्योंकि वहाँ से 6-6:30 बजे तक गाड़ियों को छोड़ते हैं। रात को खौफ आता है जब जोजला से नीचे देखते हैं, रात को खौफ आता है जब रात को नीचे देखते हैं। यहाँ इतनी हाइट पे हम के पूछो मत। तो भी जोजला क्रॉस कर लिया, लास्ट इंडिया गेट के पास पहुंच चुके हैं। ये इधर पे कनपड़ी, यहाँ पत्थर वाला पहाड़ है, इसी को बोलते हैं कनपड़। बाकी नीचे तो आप देख ही सकते हो कितना नीचे है। अभी मिनमर्ग से निकल चुका हूँ मैं, मिनमर्ग में यहाँ पे चेक पोस्ट पे एंट्री वेंट्री की, गाड़ी के नंबर वंबर लिखा और निकल गए यहाँ से, और वहाँ पर लिया ढाबा पे पकौड़ा। अभी चलते चलते पकौड़ा भी खाऊंगा आराम आराम से। चलो भाई पहुंच गए मटायन और टाइम हो चुका है 7:30 और मैं खाऊंगा अब खाना। आप बोलोगे खाना इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि भाई मैं पूरे दिन भूखा था, कुछ खाया नहीं, खाली समोसे 2 खाए और ये क्या बोलते हैं इसको लेज एक। चलो अभी मैं खाता हूँ, फिलहाल खाना करता हूँ शुरू, मिलते हैं आपसे बाद में। पहुँच गए द्रास मार्केट, तो अभी लगभग मार्केट तो क्रॉस कर ही लिया, अभी चलेंगे यही खरबू तक, खरबू तक वहाँ पे सोएंगे, क्योंकि टंकी सुबह 7 बजे खाली होगी यहाँ कारगिल में, फिर उसके बाद निकलेंगे लद्दाख। चलो जी अभी पहुँच गए बिम्बा टोल, ये रही अपनी 14 मॉडल गाड़ी। फिलहाल ये इसने सब्ज़ी और चावल बनाया था, मैंने तो चावल खा लिया, लेकिन मैंने बोला इसको आप सब्ज़ी दे दो, आगे जाके मैं चावल बनाऊंगा कल के लिए, कल सुबह तो सब्ज़ी बना के ही रहेगी। फिलहाल ये जा रहा है वापस घर और मैं जा रहा हूँ ले। देखो कितना गंदा हो गया ये शीशा है, चलो देखते हैं क्या होगा।